राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है। वो कोरोना संक्रमित थे। 86 साल की उम्र में अजीत सिंह की मंगलवार रात को तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा था कि फेफड़ों में संक्रमण के बढ़ने के कारण उनकी हालत बेहद नाजुक थी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह बागपत से 7 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं। 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। उनके निधन के बाद बागपत समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। चौधरी अजीत सिंह की गिनती बड़े जाट नेताओं में होती है। आपको बता दें कि आरएलडी प्रमुख चौधरी अजीत सिंह 22 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे। इसके बाद से ही उनके फेफड़ों में संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा, जिसके बाद मंगलवार रात अजीत सिंह की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो उन्हें गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह उनका निधन हो गया। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि चौधरी अजीत सिंह ने अपने सियासी सफर की शुरुआत 1986 से की थी। उस समय उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की तबीयत काफी खराब थी। अजीत सिंह 1986 में राज्यसभा भेजे गए थे। इसके बाद 1987 से 1988 तक वो लोक दल के और जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। 1989 में उन्होंने पार्टी का विलय जनता दल में करने के बाद वो उसके महासचिव भी बन गए। तो वहीं 1989 में अजीत सिंह पहली बार बागपत से लोकसभा पहुंचे। वीपी सिंह सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। इसके बाद वो 1991 में फिर बागपत से लोकसभा पहुंचे और इस बार फिर उन्हें नरसिम्हा राव की सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। 1996 में वो तीसरी बार कांग्रेस से टिकट लेकर लोकसभा पहुंचे, लेकिन फिर उन्होंने कांग्रेस की सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उन्होंने 1997 में राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना की और 1997 में उपचुनाव में वो बागपत से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1998 में चुनाव में वो हार गए थे, लेकिन 1999 में चुनाव फिर जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2001 और 2003 तक अटल बिहारी सरकार में चौधरी अजीत सिंह मंत्री रहे। 2011 में वो यूपीए का हिस्सा भी बने। 2011 से लेकर 2014 तक वो मनमोहन सरकार में मंत्री रहे। 2014 में वो मुजफ्फरनगर सीट से लड़े, लेकिन हार गए। 2019 का चुनाव भी चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से ही लड़े, लेकिन इस बार भी बीजेपी प्रत्याशी संजीव बलियान ने उन्हें करारी हार देकर हरा दिया। हालांकि किसान आंदोलन को उन्हें उस समय काफी फायदा हुआ था और इसके बाद जिला पंचायत चुनाव में आरएलडी ने शानदार प्रदर्शन किया। तो ये था अजीत सिंह का पूरा सफर, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, जिसके चलते ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारतवर्ष में उनके निधन की शोक लहर दौड़ी हुई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।